हेलो दोस्तों, मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक और बेहतरीन सी ट्रिक्स। इसमें आपको बताऊंगा कि आपके मोबाइल के लिए सबसे बेस्ट फ़ोटो एडिटर कौन सा है ना। और मतलब आपने ढेर सारे फ़ोटो एडिटर तो डाउनलोड किए होंगे, देखे होंगे, या किसी से शेयर रेट से या एजेंडा से लिए होंगे। तो उसमें हर चीज़ नहीं होती है ना, किसी में एडिटिंग ऑप्शन में कलर चेंजिंग, फेस चेंजिंग या कटिंग होती है, लेकिन सब में अच्छे से नहीं हो पाती। लेकिन मैं एक ऐसा ऐप्स आपके लिए बताता हूँ जिसमें क्वालिटी भी बेहतरीन देता है फ़ोटो एडिट करने के बाद, और उसमें बहुत सारे ढेर सारे फंक्शन भी है ना। उसके फीचर मैं आपको बताऊँगा। आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि आपने प्ले स्टोर पर जाइए और वहाँ पर सर्च कीजिए फ़ोटो डायरेक्टर, और इस प्रकार का आइकन मिलेगा आपको, जैसा आप देख रहे हैं ये इस प्रकार का आइकन मिलेगा, तो उसको डाउनलोड कर लीजिए। फ़िलहाल मैंने है तो मेरे को कोई ज़रूरत नहीं डाउनलोड करने की, इसलिए मैं इसको खोलता हूँ। नाम है फ़ोटो डायरेक्टर, और इस प्रकार खुलेगा। इसमें ये ऑप्शन आ रहे हैं, और यहाँ से आप कॉलेज बना सकते हैं, फ़ोटो को एडिट करेंगे, कैमरा, मतलब ये कैमरा के काम में भी आता है, मतलब इससे आप फ़ोटो भी खींच सकते हैं और मतलब लाइव एडिटिंग कर सकते हैं कैमरा की, है ना। तो एडिट करेंगे हम फोटो ऐसा इस प्रकार, ये जैसे एडिट के ऑप्शन में जाएंगे तो ये ऑप्शन आ जाएंगे कि आप कहाँ से फ़ोटो इंपोर्ट करना चाहते हैं। मैं गैलरी से कर लेता हूँ, और मैं इसमें कोई भी एक बैकग्राउंड या फ़ोटो लाऊंगा, ठीक है। मैं फ़िलहाल एक फ़ोटो ही एडिट करता हूँ, जैसे ये मेरी फ़ोटो है, मैं इसको खोलता हूँ, ठीक है। हाला कटी हुई है ये थोड़ा, नहीं ठीक है। अब मैं इस फोटो को एडिट करूँगा, तो इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं। पहले तो ये बेसिक एडिट वाला ऑप्शन है जिसमें आप फ्लिप, रोटेट या क्रॉप कर सकते हैं फ़ोटो को। जैसे मैं यदि इसको क्रॉप करना चाहूँ ऐसा कर सकता हूँ, है ना। तो इस प्रकार आप भी कर सकते हैं। और एडजस्टमेंट में जाएंगे तो इसमें हम कलर इसका चेंज कर सकते हैं फ़ोटो का, तेज करना चाहें और कम करना चाहें, है ना। और इसमें यहाँ बाजू में भी ऑप्शन दिए हैं, रेड कलर को आप कम ज़्यादा करना चाहेंगे, ग्रीन कलर को, ब्लू कलर को, है ना। मैं ये कर लिया। अब यहाँ पर और भी ढेर सारे ऑप्शन हैं, मैं यदि आपको सब कुछ बताऊँगा तो वैसे भी आपको बोरिंग टाइप का लगेगा, क्योंकि वीडियो भी लंबा हो जाएगा फिर, है ना। इसलिए जल्दी जल्दी आपको सब बता देता हूँ। ये इससे आप कलर चेंजिंग कर सकते हैं, फेस आई, है ना, इसमें भी ऐसा मतलब थोड़ा वार्प टाइप का कर सकते हैं, ऐसा मेरे को जैसा सही लगता है मैं वैसे ही करते जाता हूँ। रिमूवेबल, आप कुछ रेस करना चाहते हो, है ना, तो ये ऐसा रेस हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे फिर इसके बाद, तो वो जो जहाँ पर हमने स्क्रैच किया था वहाँ यदि ऊपर से हमने कुछ डाला है तो कट जाएगा। और यहाँ पर भी दो ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें भी हम कुछ करेंगे, है ना, यहाँ भी मतलब कुछ डिफरेंट आ जाएगा। ये मतलब जहाँ से हमने उठाया था उसको, उसका बैकग्राउंड वैसे ही हो गया है, इसको हम अंडू कर देते हैं। मतलब मैं इतने सारे इसमें फंक्शन है कि मैं खुद आज मतलब पूरा नहीं चला पाया अभी तक, कुछ दिन पहले ही डाउनलोड किया था मैंने। इफेक्ट आप चेंज कर सकते हो उससे, है ना, जो उनका इफेक्ट करना चाहो। ये भी कई प्रकार के इफेक्ट हैं ये, है ना, यहाँ भी हैं बहुत बेहतरीन से हैं। और यहाँ पर फेस VW HDR लोमो, मतलब जिस टाइप आप करना चाहो कर सकते हो। स्प्लैश में इसमें कलर का है, आप जिस प्रकार का कलर करना चाहो, है ना, कम स्प्लैश। ये पीछे का आप देख रहे हो कैसा हो रहा है, और आगे का यहाँ से रेस भी कर सकते हैं हम। और इसकी बढ़िया बात तो ये भी है कि बता जाता है बीच बीच में जो भी आप खोलते हैं। और ये जो आई का ऑप्शन है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, जो आपसे नहीं बना वो बता देगा यहाँ पर कि कौन सी चीज़ कैसे करना है, ना। फिलहाल मैं और इसके फीचर बताता हूँ जो और भी बेहतरीन है। ये कटआउट है, आप इसमें देखेंगे जैसे मैं इतने, ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेता है ना, जितना मैं इसमें करूँगा वो पूरा सिलेक्ट कर लेगा। ये कला से करता है ना, ये जहाँ तक मैं करूँगा ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा ये, ठीक है। अब इसको हम कट करेंगे, ये बाकी पूरा बैकग्राउंड चला गया, है ना, और जितना मैंने सेलेक्ट किया था वो बस आ गया। अब हम इससे कोई भी इमेज का बैकग्राउंड बना सकते हैं, यहाँ प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे जो यहाँ नीचे बना हुआ है, और फिर फोटो भी तुरंत ले सकते हैं, या फिर गैलरी से इम्पोर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ गैलरी से ही इम्पोर्ट किए लेता हूँ, देखता हूँ अच्छी सी कोई इमेज, ठीक है। मैं इसमें मेरे HD में है कुछ, मैं यहाँ इस इमेज को लाता हूँ, और ये देखिए अच्छी लग रही है कि नहीं। मैं यहाँ पर डन कर देता हूँ इसको, ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद है मिरर, आप इसमें मिरर कर सकते हो, ये इस प्रकार का, ये इस प्रकार का,
ऊपर नीचे है ना, सभी तरह के मिरर कर सकते हैं आप। ये अच्छी लग रही है तो ऐसा मैं कर लेता हूँ। और यहाँ से आप उसमें भी कलर डाल सकते हैं, और मतलब ये जैसी चार इमेज आपकी बन गई हैं तो इसको भी अलग अलग कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। और ब्लेंडर में मैं जाऊँगा तो ये यदि कोई नेचर का सीन है तो ये ब्लेंडर में आसमान बन जाता है अच्छा, है ना, और ये बादल बन जाते हैं, बिजली, ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, मतलब बहुत ही बढ़िया ये मेरे को लगाया, इसलिए मैं आप लोगों को बताने आ रहा हूँ। और यहाँ पर भी लाइटली ये इस प्रकार से डाल सकते हैं ये। और यहाँ पर लेंस प्लेयर, मतलब हमें ये इस टाइप की लेंस जहाँ हम सेट करना चाहें, इसको छोटा बड़ा भी करना चाहें तो कर सकते हैं ये। और आप ब्लर करना चाहो जितने एरिया में, जैसे मैं यहाँ करता हूँ, इसको इसको बढ़ा लूँगा मैं, तो इस सर्कल में ही सर्कल ठीक दिखेगा, बाकी पूरा ब्लर टाइप का रहेगा। जितना ब्लर करना चाहो, कम करना चाहो, हो जाएगा। तो इसके अंदर और भी ढेर सारे फीचर छुपे हुए हैं, टेक्स्टिंग है ये, आप टेक्स्टिंग कर सकते हैं, कुछ लिखना चाहते हो यहाँ वो भी इस टाइप में। यहाँ पर पहले मैं एडिट कर लूँगा, है ना, मेरा नाम लिखना है, जैसे मेरा नाम अनंत है तो मैं ये अपना नाम लिखता हूँ यहाँ पर, फिर उसको बोल्ड कर दूँगा, इटालिक करना चाहो इटालिक भी हो जाएगा। और ये फॉन्ट, फॉन्ट में जैसा फॉन्ट करना चाहो हो जाएगा, है ना, ये इस टाइप का कलर भी आपका चेंज हो जाएगा, जिस कलर में करना चाहो हो जाएगा। और इसको हम बड़ा करना चाहें, ये बड़ा भी हो जाएगा, ठीक है। स्टीकर भी आप जोड़ सकते हो इसमें, जैसे ये स्टीकर है, मैं यहाँ स्टीकर को यहाँ पर रख देता हूँ, इस स्टीकर को यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है, ये हो गया। और फ्रेम भी आप ऐड कर सकते हो, एक से एक स्पेशल फ्रेम है इसमें, ये आप जिस टाइप का करना चाहें कर सकते हैं, इसमें मतलब ढेर सारे फीचर हैं। और फिर सेव करना हो तो यहाँ जो आप ऊपर देख रहे हो, यहाँ पर आप क्लिक करके सेव कर सकते हैं बड़े आराम से। और ये परफेक्ट फ़ोटो कंप्लीट हो चुकी है, ओके। अब हम इसको खोल कर देखेंगे, ये है जो हमने बनाई थी, ठीक है। तो मैं इसी प्रकार की ट्रिक लेकर आता रहूँगा, इसलिए आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं चलता हूँ, धन्यवाद।